घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गांव-गांव में जाकर के लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों का उल्लेख कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटियां लगाई गई है। इसी अभियान के तहत पूर्व में मंत्री रहे भीमसेन मेहता आज इंद्री हल्के गांव इस्लामनगर व ननहेड़ा में पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। हर घर कांग्रेस जो अभियान पूरे प्रदेश और देश में चलाया जा रहा है और लोगों का उत्साह, लोगों का जोश आज आपके सामने है, क्योंकि आज मौजूदा सरकार से प्रदेश का, देश का नागरिक निराश है। जो उन्हें उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर सरकार खरा नहीं उतरी और इस तरीके से लोगों को एक निराश लोग सब इकट्ठे हुए हैं और आज हमें तो पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा एक जोश है लोगों के अंदर जो देखने को बनता है। कांग्रेस की सरकार रही उसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है? कांग्रेस के जो सरकार रही पिछले 10 साल हुड्डा जी के नेतृत्व में, उसका भी हमने उनके उन दिनों में जो विकास के काम, हर वर्ग के कल्याण के काम हुए, उनकी भी हमने चर्चा की। या लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन 9.5 सालों के अंदर कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ पर विकास की दर बढ़ी हो, रोजगार मिला हो। अगर रोजगार मिला होता बच्चों को तो बाहर के मुल्कों में रोजगार ढूंढने के लिए ना जाते। किसानों के जो फसल के भाव हैं, जहाँ आय दुगने करने की बात थी, किसी भी प्रकार की इसमें कोई बात नज़र नहीं आती कि इसमें दुगनी आय की बात हो, बल्कि खर्चे बढ़े हैं किसानों के, चाहे वो बीज का की बात हो, कीटनाशक दवाइयाँ हो, सब पर GST लगाकर सरकार ने खर्चे बढ़ाए हैं किसानों के। संकल्प पत्र भी बांटे जा रहे हैं? संकल्प पत्र जो हमारा पार्टी ने तैयार किया है वो सबके घर सब जगह हम देने जा रहे हैं और पूरे हल्का के अंदर इस तरह के प्रोग्राम जारी है हमारे। इसमें 6,000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन है, 300 यूनिट बिजली फ्री है, 500 रुपये का गैस सिलेंडर, 2 लाख की जो हमारी जो खाली सरकारी नौकरियां पड़ी हैं उनकी भर्ती करेंगे। गरीब व्यक्तियों को जो 100-100 गज के प्लॉट देने बंद कर दिए गए हैं पिछली सरकार हुड्डा जी के नेतृत्व में दिए थे, उस स्कीम को दोबारा लागू करते हुए इसमें प्लाट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का हम मकान बनाकर देंगे। किसानों को MSP और सर्वाधिक भाव की गारंटी देंगे। सफाई कर्मचारियों को, उनका जो चौकीदार है, मनरेगा है, उनको जो लोग हैं उनको पक्का करेंगे। BC की जो क्रीमी लेयर है, आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। नशा का जो एक बुरा चल रहा है दौर, उसको दूर करेंगे। जन विरोधी पोर्टलों से मुक्ति, जो आज हर चीज़ लाइन में होती है, वो लाइन बंद करेंगे। सीधा जैसे पहले था वैसा होगा। हर गरीब को पीला राशन कार्ड, जो हमारे पदक लाओ पद पाओ की नीति थी, उसको दोबारा हमारी सरकार आएगी लागू करेंगे। विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मुफ्त होगा। पुरानी पेंशन योजना जो OPS है उसको दोबारा से लागू करेंगे। विकास और निवेश में फिर हरियाणा बनेगा नंबर 1, ऐसा हमारे पार्टी का, हमारा एक विचार है, हमारे पार्टी का फैसला है, सभी हमारे नेताओं का ये फैसला है।